बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता, जो कि बहुत ही मज़े के चिकन कोफ्ता बनकर रेडी होते हैं। अगर व्यूअर्स आप भी ये मज़ेदार कोफ्ता बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, लाजमी लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े के कोफ्ता बनकर रेडी होते हैं। आपके घर में छोटी मोटी दावत हो तो उसके लिए भी बड़े ही आइडियल हैं। चलिए फिर व्यूअर्स, चलते हैं और ये मज़ेदार कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़े ही मज़े के और बहुत ही इजी आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही जल्दी से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में ये कोफ्ता बनकर रेडी हो जाते हैं। चलिए फिर बिना किसी देर के हम कोफ्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मज़ेदार कोफ्ता बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन ली है, जो कि मैंने बोनलेस चिकन ली है, इस हड्डी के बगैर वाली के मैं शामिल करूँगी। दो दो मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करेंगे, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था वो भी हम शामिल करेंगे। और यहाँ पर हरी मिर्चें भी 2 से 3 अदद शामिल करेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन का 2 टीस्पून शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक का भी शामिल करेंगे। और यहाँ पर जी सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी शामिल करेंगे। और यहाँ पर जी मैं साबित धनिया शामिल कर रही हूँ, आप पिसा हुआ धनिया भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने ये शामिल किया है। चलिए अब उनको पीस लेते हैं। यहाँ पर जी देख सकते हैं हमारे कोफ्तों का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं हाथों को ग्रीस कर रही हूँ और यहाँ पर जी छोटे छोटे साइज़ के मैं कोफ्ते बना लूँगी। आप चाहें तो बड़े भी कोफ्ते बना सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स देख सकते हैं मैंने बहुत सारे कोफ्ते बना लिए हैं। आपने भी इस तरह के कोफ्ते छोटे बड़े साइज़ में बना लेने हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने कुकिंग ऑयल को पहले से फ्राई पैन में शामिल किया हुआ था। अब इन कोफ्तों को हम शेलो फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े के कोफ्ते बनकर रेडी होते हैं। आपने भी ज़रूर ट्राई करने हैं और अपने अच्छे अच्छे फीडबैक ज़रूर देने हैं। यहाँ पर जी हम कवर लगाकर कुछ देर के लिए कोफ्तों को पकाएंगे, जैसे कि अच्छी तरह से इनका पानी ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने स्टोर करके भी ये कोफ्ते रखने हैं। इसलिए मैं इनको पानी ड्राई करने के लिए मैंने इनको कवर करके पकाया था। देख सकते हैं बड़े ही मज़े के बनकर रेडी हो रहे हैं। इनको अब निकाल लेंगे और दूसरे हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स और भी हम मज़ीद कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स और मज़ीद कोफ्तों को भी हम कवर लगाकर पकाएंगे, इनका भी पानी ड्राई करेंगे। यहाँ पर जी हमारे ये कोफ्ते भी बनकर रेडी हो चुके हैं। बड़े ही मज़े के बनते हैं ये कोफ्ते। और मैं जब भी बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मैंने स्टोर भी करके रखने होते हैं ये कोफ्ते। अब देख सकते हैं कितने मज़े का कलर इनका कोफ्तों का आया है। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। यहाँ पर जो हम 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे, उसी फ्राई पैन में शामिल कर रही हूँ मैं, जिसमें मैंने कोफ्ते भी फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पर जी मैं बारीक चॉप की हुई प्याज भी शामिल कर रही हूँ। जिस तरह हम आमलेट में शामिल करते हैं प्याज, इस तरह की मैंने बारीक चॉप कर ली थी प्याज। यहाँ पर जी प्याज को अच्छे से पकाएंगे पानी सेपरेट होने तक। 1 टीस्पून पिसी हुई अदरक लहसुन शामिल करेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद लौंग भी शामिल करेंगे। काली मिर्चें साबुत 4 से 5 अदद शामिल करेंगे। यहाँ पर जी देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसकी प्यूरी बना ली थी, वो अब मैंने शामिल की है। यहाँ पर जी टमाटर को भी अच्छे से पकाएंगे पानी सेपरेट होने तक। यहाँ पर जी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्सअप करेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पर जी नमक भी शामिल करेंगे। आप नमक मिर्च मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पर जी थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हम कोफ्ते ग्रेवी वाले बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छे से मसालों को पानी में मिक्सअप करेंगे और अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर आप ग्रेवी कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। ग्रेवी को 5 मिनट के लिए कवर लगाकर पकाएंगे। यहाँ पर जी देख सकते हैं अच्छे से हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है।
यहाँ पर जी देख सकते हैं बड़े ही मज़े की ग्रेवी बनकर रेडी हुई है। अब मैं कोफ्ते शामिल करने लगी हूँ। आपने भी इस तरह की ग्रेवी बना लेनी है, फिर उसमें कोफ्ते शामिल करने हैं। यहाँ पर जी मैं अपनी फैमिली के हिसाब से कोफ्ते शामिल कर रही हूँ। आप भी अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कोफ्ते भी शामिल कर सकते हैं। इसको हम कुछ देर के लिए कवर लगा कर भी पकाएंगे, 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर जी देख सकते हैं हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। बड़े ही मज़े के कोफ्ते बनकर रेडी हुए, इनको अब हम पलटा लेंगे। आपने अगर ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ग्रेवी रख सकते हैं कोफ्तों की। यहाँ पर जी देख सकते हैं हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। ऊपर से मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल किया है। और भी मज़ेदार और भी खुशबू देने के लिए हम यहाँ पर जी हरा धनिया ऊपर से गार्निश करेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स देख सकते हैं मैंने कुछ कोफ्ते निकाल लिए हैं, अब इनको मैं स्टोर करके रख लूँगी। और यहाँ पर जी हमारी ग्रेवी वाले कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं बड़े ही मज़े के ये कोफ्ते बनकर रेडी हुए। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपके ये कोफ्ते कैसे बने। अब इनको मैं डिश आउट करूँगी और मज़े से इंजॉय करेंगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा हमेशा की तरह। फिर किसी दिन हाजिर होंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।